दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और रोड रोलर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि गुल्ली बुल्ली अपनी चाची के यहाँ जाने के लिए बस स्टैंड पे गए थे और फिर उन्होंने सोन द पॉटी बॉय को ही फ़ोन करके बुला लिया और गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बस का इंतज़ार करने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक कोई बस नहीं आती। फिर एक रोड रोलर वहाँ से गुजरता है तो वो तीनों उस पर बैठ जाते हैं और चाची के यहाँ जाने लगते हैं। रोड रोलर काफ़ी धीमे चल रहा था तो रोड रोलर वाला उन तीनों को कहानी सुनाने लगा ताकि उनका टाइम पास हो जाए। तो वो बताता है कि कुछ साल पहले इस रोड पे एक रोड रोलर का एक्सीडेंट हो गया था और वो रोड रोलर वाला आज भी भूत बन के भटकते हैं। फिर वो रोड रोलर वाला अपने भूतिया रूप में आ जाता है। फिर गुल्ली बुल्ली वो भूतिया रूप देख के वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं, लेकिन जब सोन भागने को होता है तो सोन द पॉटी बॉय वहीं पर गिर जाता है और फिर वो रोड रोलर वाला उस पर रोड रोलर चढ़ाने लगता है। अब आगे देखते हैं। जैसे ही वो रोड रोलर वाला सोन द पॉटी बॉय पर रोड रोलर चढ़ाने वाला होता है तभी वो उठकर पीछे की तरफ भागने लगता है, लेकिन ये रोड रोलर वाला सोन द पॉटी बॉय के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और ये रोड रोलर चढ़ा के ही मानेगा। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली भागते भागते रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम दोनों सेफ हो गए हैं क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए हैं। जब वो दोनों रुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है सोन द पॉटी बॉय यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो वापस घूमते हैं और दौड़कर उस रोड रोलर के पास जाते हैं। जब वो रोड रोलर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सोन द पॉटी बॉय पीछे की तरफ भाग रहा है और वो रोड रोलर सोन द पॉटी बॉय के पीछे पड़ा हुआ है। फिर तुरंत गुल्ली अपना आईफोन निकालता है और पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा देता है क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी पर है और बहुत जल्दी पुलिस वाले आ जाएंगे, इसलिए वो तुरंत फ़ोन लगा के पुलिस को सारी बातें बता देता है। गुल्ली पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और पूरी दम लगा के उस रोड रोलर वाले के मारता है। ये पत्थर रोड रोलर वाले के सर पे लगता है और वो अपना सर घुमा के देखता है गुल्ली बुल्ली की तरफ। अब वो रोड रोलर वाला सोन द पॉटी बॉय को छोड़कर गुल्ली बुल्ली की तरफ अपनी रोड रोलर को लेके आता है। जैसे ही रोड रोलर गुल्ली बुल्ली की तरफ पहुंचता है तब तक एक पुलिस वाला वहां पे आ जाता है। पुलिस वाला ये सारा नज़ारा देख के काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा डरावना आदमी नहीं देखा। फिर भी एक पुलिस वाले का फ़र्ज होता है कि वो आम नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए वो पुलिस वाला चिल्लाते हुए उस रोड रोलर वाले से कहता है कि तुम इन दोनों को छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, तुम जानते नहीं हो मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरे पास बहुत सारी पावर है, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूँगा और तुम्हारे इस रोड रोलर को भी जब्त कर लूँगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर वो रोड रोलर वाला हंसने लगता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर वो पुलिस वाला अपनी गन निकाल लेता है और गन निकालने के बाद वो पुलिस वाला फायर कर देता है और वो गोली उस रोड रोलर पर जाके लगती है। वैसे भी रोड रोलर पक्के लोहे का बना होता है तो गोली लगने से उस रोड रोलर का कुछ भी नहीं होता। फिर उस रोड रोलर वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये उसका फेवरेट रोड रोलर था जिस पर उस पुलिस वाले ने गोली मारी। फिर वो अपना रोड रोलर लेके उस पुलिस वाले की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और उसे कुचल देता है। इस रोड रोलर से कुचलने के बाद उस पुलिस वाले का कीमा बन जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख के गुल्ली बुल्ली बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा है। फिर बुल्ली फुटपाथ से नीचे उतरते हुए आता है और गुस्से में कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो दौड़ता हुआ रोड रोलर के पास जाता है और उसकी गर्दन पर लटक जाता है। वो रोड रोलर वाला अपनी गर्दन घुमाते हुए बुल्ली को बहुत दूर फेंक देता है।
वहीं गुल्ली समझ जाता है कि रोड रोलर वाला ऐसे नहीं मानेगा। वो सोचता है क्यों ना इस रोड रोलर वाले को कोई लालच दिया जाए। फिर वो उससे बोलता है कि मेरे पास एक आईफोन है और बहुत सारे पैसे भी हैं, अगर तुम चाहो तो मैं ये सब तुम्हें दे दूँगा, लेकिन हम तीनों को छोड़ दो। फिर वो रोड रोलर वाला कहता है, नहीं मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से ही मेरी मौत हुई थी। जब वहाँ पे बैरियर लगा था तो उस बस वाले ने ऐसे रोड पे क्यों बस चलाई जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर गुल्ली समझ जाता है कि ये रोड रोलर वाला ऐसे नहीं मानने वाला। फिर वो गुस्से में कहता है कि हमारे साथ एक बाबा हैं और उनके रहते हुए तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। चलो देखो अपनी रोड रोलर का पावर और जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, आ जाओ। फिर वो रोड रोलर वाला अपना रोड रोलर लेके गुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास बढ़ते बढ़ते वो फुटपाथ को तोड़ देता है और अब वो रोड रोलर गुल्ली के पीछे पड़ जाता है। फिर सॉन द पॉटी बॉय चिल्लाते हुए उस रोड रोलर के पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, और रोड रोलर वाले भैया जरा बात सुनो। तभी वो रोड रोलर तुरंत रुक जाता है। फिर सौंदा पोटे हुए कहता है, अच्छा मेरे बैग में बहुत सारी चीज़ें खाने की हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट और बहुत सारी चॉकलेट, अगर तुम चाहो तो ये सारा मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्त गुल्ली और बुल्ली को छोड़ दो। फिर वो रोड रोलर वाला सर हिला के हाँ करता है, मतलब अब रोड रोलर वाला राजी हो गया है। और ये देख के सौंदा पोटे भाई बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि मेरा तिगड़म काम कर गया, अब बस कुरकुरे, चिप्स और कुछ चॉकलेट की वजह से हम तीनों की जान बच जाएगी। फिर वो रोड रोलर वाला बैक गियर लगा के सौंदा पोटे भाई के पास आने लगता है। वहीं सौंदा पोटे बॉय अपना बैग उतार के आगे बढ़ाने लगता है ताकि जब वो रोड रोलर वाला आए तो वो ये बैग ले सके। फिर वो रोड रोलर सौंदा पोटे बॉय के पास आके रुक जाता है। सौंदा पोटे बॉय कहता है, लो इस बैग में सब कुछ है, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब तुम रख लो और आराम से खाओ पियो और मजे करो, क्या रखा है इस मोह माया में। वो रोड रोलर वाला कुछ नहीं बोलता और अपने रोड रोलर को खड़े रखता है। फिर सौंदा पोटे बॉय कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा रोड रोलर ख़राब हो गया, मुझे तो पता ही था, जब हम तीनों बैठे थे तब भी ये गड़गड़ की आवाज़ कर रहा था, तुम इस खटारा रोड रोलर को बेच क्यों नहीं देते। एक काम करो, तुम इसे बेच के एक बढ़िया सी टैक्सी ले लो और आराम से कमाओ, वैसे भी ये रोड रोलर बहुत पुराना हो चुका है और एकदम कबाड़ हो चुका है, इसे तुम बेच दो जल्द से जल्द। ये बात सुनकर इस रोड रोलर वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रोड रोलर की एकदम बैक गियर लगाता है और सौंदा पोटे बॉय पे चढ़ा देता है। सौंदा पोटे बॉय इस रोड रोलर के पहिए के नीचे है और इस वजह से शायद सौंदा पोटे बॉय का कीमा बन चुका होगा। ये नज़ारा देख के गुल्ली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुख के मारे वो वहीं पे बैठ जाता है। उसे लगता है सौंदा पोटे बॉय अब नहीं रहा और गुल्ली को इस बात पे भी गुस्सा आ रहा है कि बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। तो क्या दोस्तों, ये रोड रोलर से सौंदा पोटे बॉय का कीमा बन चुका है या फिर बाबा को तिगड़म लगा चुके हैं जिससे सौंदा पोटे बॉय की जान बच जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।